मूल और जाति को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर मूल और जाति को कोई इमित्र धारक सफ़ेद पेज पर प्रिंट करके दे दे तो उसको बोला जाता है कि ये तो नकली है, ये असली मूल निवास नहीं है। और कई जगह पर हम जब वो सफ़ेद पेज वाला सबमिट भी करते हैं तो वहाँ पर उसे डुप्लीकेट माना जाता है या फिर फोटोकॉपी मानी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित एक बहुत ही कमाल की जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये डिजिटली वेरीफाई है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से ये प्रिंट किया गया है और ये पीले वाले पेज पर है। अगर मैं इसकी फोटोकॉपी, ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी इस पेज पे कर दूँ तो क्या कोई बता सकता है कि दोनों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली? नहीं बताया जा सकता, कोई नहीं बता सकता। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि फोटोकॉपी कौन सी है और असली कौन सा है? क्या इस पीले पेज की ज़रूरत है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अगर जो पुष्टि होती है वो इस सिग्नेचर से होती है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, ये जो टोकन नंबर दिए हुए होते हैं यहाँ पर, इन टोकन नंबर से पुष्टि होती है कि ये मूल निवास या फिर जो जाति प्रमाण पत्र है वो असली है या फिर नहीं। तो वो सफ़ेद पेज पर हो, पीले पेज पर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रिंट किस पेज पे किया है। यहाँ पर आप देखिए, जो मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र बनता है वो भी व्हाइट पेज पर ही बनता है। यहाँ पर ये देखिए, स्टेट वाला है और ये केंद्र वाला, दोनों व्हाइट पेज पर ही बनते हैं, वो पीले पेज पर नहीं आते। तो अगर आप व्हाइट पेज पर प्रिंट करके देते हो और ये जो सिग्नेचर है इन्हें वैलिड करके देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि पीला पेज हो, वो पूर्णतः मान्य होगा अगर आप व्हाइट पेज पर भी प्रिंट करके देते हो, पीले पेज की कोई जरूरत नहीं है। ये एक लोगों की गलत फहमी है कि इस वाले इस पीले पेज पर प्रिंट होगा मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र तो ही चलेगा, तो ही वो असली होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप व्हाइट पेज पर भी प्रिंट करके देते हो, उस जैसा पेज आया है वैसा ही प्रिंट करके देते हो तो वो पूर्णतः असली माना जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है टोकन नंबर से, ना कि इस पेज से। इस पेज पर तो हम चाहे जितनी फोटोकॉपी कर सकते हैं, एक मूल निवास अब जैसे कि ये बना हुआ है, इसकी मैं इस पे फोटोकॉपी कर दूंगा तो क्या यही असली हो जाएगा और ये नकली हो जाएगा? तो इसका कोई, इस बात का कोई मतलब सेंस नहीं है। तो अगर आप व्हाइट पेज पर भी प्रिंट करके देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है और वो पूर्णतः वैलिड होता है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप इस जो मूल या फिर जो जाति है उसको आप कलर प्रिंटर से व्हाइट पेज पर भी प्रिंट करके दे सकते हैं और उसमें जो सिग्नेचर है वो आपका ग्रीन आ जाएगा और वो पूर्णतः वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट से प्रिंट करके देते हो तो वो ब्लैक आएगा, ये सिग्नेचर ग्रीन नहीं आएगा। तो वो थोड़ा सा है, फोटोकॉपी सी लगती है देखने में, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की जो प्रमाणिकता है वो सिद्ध होती है उनके डिजिटली सिग्नेचर से और टोकन नंबर से, कि वो ओरिजिनल है या नहीं, वो सही है या नहीं। इस बात से नहीं होती है कि वो सफ़ेद पेज पर है या फिर पीले वाले पेज पर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि अफवाह कैसे फैली है और लोगों को, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो व्हाइट पेज वाला है वो असली नहीं है और ये नहीं चलेगा, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः वैलिड होता है। और गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, पीछे से जो इशू किया जाता है वो भी व्हाइट पेज पर ही होता है। तो अगर आप व्हाइट पेज पर किसी भी मूल या जाति को प्रिंट करके देते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में मैं एक वीडियो में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं तो मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।